जे यीशु, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 7 से 13 में हम सुनते हैं, प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अधिकार देते हैं, जिससे वे लोगों के बीच में जाकर पश्चाताप का उपदेश देते और रोगों से उन्हें चंगाई देते हैं। आइए हम महाधर्माध्यक्ष लियो एसवीडी से प्रभु यीशु के शिष्यों के मिशन के बारे में समझे और अपने जीवन में इसे पालन करने में प्रेरित हो जाए। आपको जय यीशु और स्वागत। आज मैं हमारे क्रिस्तीय मिशन के विषय में थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। प्रभु का मिशन, प्रेरितों का मिशन और हमारा और मेरा मिशन, इन तीन बातों पर। हमारे स्वीडी स्टेटमेंट कहता है, प्रभु का जीवन हमारा जीवन, उनका मिशन हमारा मिशन। इसका मतलब यह है कि हमारे मिशन प्रभु के मिशन से ज़्यादा कोई अलग नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक दिशा दी है। उन्होंने ही लूकस अध्याय 4 कड़ी 18 में कहा है उनके मिशन के विषय में, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और उसने मुझे भेजा है, दरिद्रों को समाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारा दूं, अंधों को दृष्टिदान का संदेश, दलितों को स्वतंत्रता का संदेश और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यही मिशन प्रेरितों का और हमारा भी है, लेकिन आज की परिस्थितियों में किस प्रकार इस मिशन को हम पूरा कर सकते हैं, यह सवाल उठता है। आइंस्टाइन, एक वैज्ञानिक और एक मैथमेटिशियन, वो कहते हैं कि हम अलग अलग समस्याओं का समाधान एक ही उत्तर से नहीं कर सकते हैं। मत्ती अध्याय 9:17 में कहा गया है, नई अंगूरी नए मशकों में डालनी चाहिए। यदि पुराने मशकों में नई अंगूरी डालो तो मशक बर्बाद होते हैं और अंगूरी भी बर्बाद होती है। तो आज के माहौल में हमारे मिशन की क्या परिस्थिति, किस प्रकार हम अपने मिशन को पूरा करें, यह सवाल उठता है। आज का परिवर्तनशील युग हमारी सोच, हृदय, मस्तिष्क, इन सब का परिवर्तन हमें आवश्यक है। लोग काफी बार मानव परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन के विषय में कहते हैं, धर्म का परिवर्तन मानव के द्वारा असंभव है, यह तो ईश्वर की कृपा कह सकते हैं। बड़े बड़े कानून बनते हैं, इन कानून से कोई मतलब नहीं है, यह तो आंतरिक परिस्थिति, एक मनुष्य का जो कन्विक्शन है उसके विषय में। तो धर्म किसी को बदलना या ईश्वर की कृपा से अपने धर्म का पालन करना, यह तो हर एक मनुष्य की स्वतंत्रता का विषय है। लेकिन हर एक मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए कि मन परिवर्तन, दिल परिवर्तन और मानव प्रेम का विकसित करना। यीशु ने जिस प्रकार अपने जीवन को पूरी रीति से दूसरों के लिए समर्पित किया, यही होना चाहिए हमारा भी मिशन। और इसके विषय में, मिशन के विषय में कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए हम न सिर्फ कार्य करें लेकिन अपने जीवन के द्वारा साक्षी बने। उपदेश शब्दों से ही दिया जाता है नहीं कह सकते हैं, अपने जीवन द्वारा जो उपदेश मिलता है लोगों को वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जीवन की साक्षी, और हमारे पापा फ्रांसिस यही कहते हैं कि हमें खुद मिशन बनना है, न सिर्फ मिशन कार्य करना, खुद मिशन बनना। जरूर कार्यों के द्वारा हम अपने मिशन को पूर्ण करते हैं लोगों की भलाई में, लोगों के लिए कार्य करते हुए। परंपरागत हमारे क्रिस्तीय मिशन हमेशा रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, इन तीनों के द्वारा सदियों से क्रिस्तीय प्रजा लोगों को सेवा देती आ रही है। इसलिए हम जानते हैं भारत में भी काफ़ी रीति से हम शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में लगे हुए हैं। भले ही हम 2.3% क्रिस्तीय हो, लेकिन 20-25% से ज़्यादा हमारी सेवाएं होती हैं और लोग इनका लाभ उठाते हैं, यह है हमारा मिशन। भले ही हमारे बहुत से स्कूल शहरों में भी हों,
लेकिन गांवों में, बस्तियों में, झुग्गियों में इस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराना यह बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। आज का माहौल बदल गया है, गांव में भी आजकल जाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है, लेकिन हमारे मिशनरियों को जाकर वहाँ पर शिक्षा हॉस्टल के द्वारा या डिस्पेंसरियों के द्वारा, वैसे ही हमारे किसानों के लिए मदद, उनको किस प्रकार अच्छी अनाज उपजाना, इन बातों के विषय में उनको शिक्षा दी जाती है, उनको मदद की जाती है। लेकिन लोग शायद गलत भावना और गलत रीति से हम पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि मनुष्य को प्रगति के दिशा में आगे बढ़ाना। अब हाँ, यहाँ के ऐसे माहौल में वास्तविक कदम कलीसिया के किस प्रकार होने हैं, तो किस प्रकार कुछ कार्य चलते हैं ट्रेडिशनल या परंपरागत कार्यों के अलावा दूसरे कार्य जो चलते हैं। एक तो हमारे काफ़ी क्रिस्तीय पुरोहित, धर्म संगी, लोक धर्मी बंदी गृहों के में जाकर बंदियों की सेवा और उनकी मदद करते हैं, जैसे उनको एजुकेट करना, उनको अलग अलग धंधे सिखाना, अंग्रेजी सिखाना और उनकी मदद करना, यदि उनको कुछ वकालत की मदद चाहिए उसके विषय में, क्योंकि हम जानते हैं अनेक बंदी निर्दोष हैं, लेकिन उनको किस प्रकार मदद की जाए, यह एक कलीसिया का मिशन बन गया है। उसी प्रकार प्रकृति की रक्षा, हमारे फ्रांसिस ऑफ असीसी, वैसे हमारे पापा फ्रांसिस और उसके पहले भी पापा बेनेडिक्ट हमेशा प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य करते रहे, और उन्होंने अलग अलग रीति से दूसरों के साथ जुड़कर शांति और प्रेम की भावना फैलाने के लिए कार्य किया है। यह सब एक साथ मिलता है, प्रकृति, मानव स्वभाव, मनुष्य की सोच को बदलना, यह भी आवश्यक है। तो प्रकृति की रक्षा, जैसे पापा फ्रांसिस ने वो किताब लिखी है लाउदातो सी, उसमें किस प्रकार हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, से दुनिया की शुरुआत से किस प्रकार प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के साथ जी सकते हैं, प्रकृति की किस प्रकार रक्षा करनी है, इसके विषय में बहुत सी विस्तार रूप से वे लिखते हैं। और हमारा क्रिस्तीय मिशन यह भी विशेष रूप से बन गया है, स्वच्छता और स्वास्थ्य। हमारे भारत में जरूर स्वच्छ भारत की स्लोगन है, उसका स्लोगन, उसको हम भी कार्यान्वित लाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग रीति से, हमारे स्कूलों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में लोगों को सतर्क कराना, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उनको स्वच्छता का पाठ पढ़ाना, यह भी आवश्यक है, और इससे तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य भी बढ़ता है, यह भी आवश्यक है। और एक और ज़रूरत है, चुनौतीपूर्ण बात है, परिवारों की अखंडता। परिवार में आजकल विच्छेद होते जा रहे हैं, माता पिता अलग होते हैं, बच्चा अलग अपने आप रहते हैं, उनको माँ बाप की मदद नहीं मिलती, और इसके विषय में हमें सोचना आवश्यक है, और कलीसिया इस विषय में बहुत ही सोच विचार करके लोगों को मदद करती है, पति पत्नी की व एकता को किस प्रकार बनाए रख सकते हैं, परिवार में किस प्रकार प्रेम, शांति और समभावना रह सकती है, इसके विषय में काफ़ी कार्य चलते आ रहे हैं। और शांति और सद्भावना, आज के माहौल में जब धर्म के कारण, जाति के कारण और सांप्रदाय के कारण अलग अलग तनाव हैं, उन तनावों को दूर करना, शांति और प्रेम की भावनाएँ फैलाना, यदि हमारे देश में प्रगति होनी है तो शांति की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि अलग अलग जगह पर युद्ध के कारण काफ़ी बर्बादी होती है, अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, इसमें कितनी बर्बादी होती है, और दूसरे देश भी इससे कितने प्रभावित हुए हैं, आर्थिक रीति से कितना प्रभाव है, और यह तनाव हर जगह होता है, इसलिए युद्धों को टालना, शांति स्थापित करना, यह बहुत ही आवश्यक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रेसिडेंट पुतिन को कहा है, युद्ध से कोई समस्या हल नहीं कर सकते हैं, शांति, प्रेम, वार्तालाप, डायलॉग, इनकी आवश्यकता है। और धार्मिक रीति से भी देखा जाए और हमारे मिशन के रूप में भी हम सोचें, तो हमें भी दूसरे धर्मों से हमेशा वार्तालाप करना, उनसे जो बातें करना और इस प्रकार सद्भावना का वह माहौल फैलाना, यह भी बहुत ही आवश्यक है और यह भी हमारा मिशन है। हमारे युवा वर्ग को मदद करना, क्योंकि युवा समाज का भविष्य है,
और युवाओं को हर तरह से अच्छी दिशा देना, अच्छी दिशा में चलने के लिए मदद करना। और मैं तो काफ़ी सालों तक हमारे भारत के कैथलिक युवा का प्रेसिडेंट रहा और हमारे युवाओं में इतना अच्छा मनोभाव है, लेकिन उनको सही रीति से एक दिशा देना और उस दिशा में चलने के लिए उनको प्रोत्साहित करना ये आवश्यक है। व्हाट इज़ नीडेड मोस्ट इज़ एकम्पनीमेंट ऑफ द यूथ एंड giving them the right direction, right guidance, so that they can make their life successful. और एक और बात की आवश्यकता है आज हमारे मिशन के रूप से कि बहुत से युवा लोग, बहुत से लोग, भले ही परिवार और हर तरह के लोग, हर तरह के कार्यों से तनाव बढ़ते जा रहा है। उस तनाव को दूर करने के लिए उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है। मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, लोग खुदकुशी करते हैं, क्यों? यह कारण है कि उनके जीवन में तनाव बढ़ते जा रहे हैं। उन तनावों से उनको मुक्ति दिलाने की कोशिश करना, इसलिए काउंसलिंग सेंटर्स का उपयोग और काउंसलर्स को ट्रेनिंग दिलाना और उनको मदद करना, यह भी हमारा एक मिशन सा बन गया है। मानसिक तनाव से मुक्ति और लोगों को परामर्श देना, अच्छा काउंसलिंग देना। स्त्री और बच्चों और उसी प्रकार विशेष करके लड़कियों के विषय में हम देखते हैं कि कितने तरह का की समस्याएं वे महसूस करते हैं, क्योंकि उनका शोषण होते जाता है अलग अलग रीति से। इस तकलीफ को दूर करना, इनको मदद करना, यह भी आवश्यक है। और क्लीसिया इस विषय में काफ़ी हद तक कार्य करती आ रही है कि स्त्रियों की और बच्चों की, वैसे नाबालिगों की, विशेषकर बालिकाओं की मदद करना, उनकी रक्षा करना और समाज में उनका वह स्तर, डिग्निटी, उसको बढ़ाने की कोशिश करना, यह भी हमारा मिशन है और मिशन होना चाहिए। लोग अपने मानसिक तनाव के कारण अलग अलग रीति से अपने आप को छुटकारा देना चाहते हैं, जैसे नशा और ड्रग्स लेकर। इनसे हमारे युवाजनों को, देश के हर नागरिक को मदद करना, यह भी एक तरह का मिशन कह सकते हैं। हम देखते हैं कि आज भारत में बहुत ही लोग बेकार, जिनको काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको रोजगार दिलाना, उनको मदद करना, यह भी हमारा मिशन है। हम देखते हैं कि अलग अलग रीति से हमारे मिशन में प्रभु की जो आज्ञा है, आज के इस माहौल में हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बरसक हमें ईश्वर की मदद की आवश्यकता है। हम संत फौस्टिना का त्यौहार मनाते हैं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मदद, दिव्य दया या करुणा, वो हर एक व्यक्ति को प्राप्त होती है, लेकिन उस करुणा के लिए हमें अपने आप को खुला रहना आवश्यक है। तो इस विषय में यदि हम सोचें तो ज़रूर हमारा मनोभाव हमारे लिए सकारात्मक होते हुए हम दुनिया को, उसी प्रकार हमारे देश को, हमारे समाज को सही दिशा देने में मददगार हो सकते हैं। और भले ही हम धार्मिक हों, धर्म में हमारी आस्था ज़रूर है, लेकिन धर्म हमें यही सिखाता है कि प्रभु ने पहले से ही हमें सिखाया है हमेशा ईश्वर का प्रेम और अपने भाई बहनों का प्रेम, हर एक मनुष्य का प्रेम, इन दोनों पर निहित है हमारा विश्वास। हमारे मिशन में हमें न सिर्फ ईश्वर की मदद मिले, लेकिन हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रभु हमारा मार्गदर्शन बने और हमें सही रास्ते दिखाकर हमारे मिशन को सफल बनाएं, यही मेरी आशा और प्रार्थना है। और हम सब उसी रीति से कार्य करते जाएं, प्रभु हमें वह शक्ति और वह दृढ़ता दें।